वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ब्रांड न्यू कोर्स ऑफ HTML CSS JavaScript फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं CSS के अंदर क्लासेस क्या चीज़ है, IDs और क्लासेस। IDs की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो सेम है एज क्लास है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज चेक करी थी, तो आज क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासेस होती क्या है? तो क्लास ए बंच ऑफ ग्रुप होता है, एक बंच ऑफ कोड होता है, जो एक कोड का छोटा जैसे डिव होता है। तो एक डिव जो होता है, वो डिव के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो उस क्लास के रिलेटेड हम कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स लगाते हैं, फंक्शंस लगाते हैं। यानी कि एक जैसे आपने पाइथन में हुक सुना होगा या और भी लैंग्वेज में हुक होती है, तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे कोड को एक ही पैटर्न के थ्रू अपना जो अपना डिज़ायर प्रोडक्ट होती है वो उसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो डिव ले लिए हैं। ठीक है, उसके अंदर हम पैराग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, एक डिव के डिव जो है ना, दो डिव है ना, तो हम चाहते हैं कि एक डिव का कलर कुछ और हो जाए और एक डिव का कलर कुछ और हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने डिव के अंदर पैराग्राफ हेडिंग दी हुई है, तो अगर आप कोई कलर देना चाहते हो, जैसे अभी आपने देखा है कि कोई भी कुछ इफेक्ट नहीं है, कलर वगैरह नहीं है, तो अब हम CSS के अंदर डिव को, डिव एट्रीब्यूट को देने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, चलो ब्लू वगैरह जो एक्वा रख लो, कुछ भी रख लो। तो अब इसको रन करके देखो, है ना, तो ब्लू रख लिए, तो रन करके देखो इसका सारा का सारा ब्लू हो जाएगा। अभी हमने वो लिंक नहीं ना किया, तो लिंक करके देखते हैं। पहले लिंक करते हैं इसको रेल स्टाइल शीट, ये तो आपको पहले से ही पता है, और href जो फाइल का नाम होता है CSS की। तो इसके बाद हमने इसको कर देना है रन। ये CSS का फोल्डर हमने पहले ही बनाया, तो ये देख ली आपने। हम चाहते हैं कि एक डिव को एक कलर मिल जाए और एक डिव को एक कलर मिल जाए, इसलिए क्लासेस बनाई जाती हैं। यानी कि एक क्लास बन गई ना, एक डिव को एक क्लास दे दी और दूसरी को दो क्लासेस होगी। तो अब क्लास देते हैं ब्लू और दूसरी को रेड कर देते हैं। ठीक है, तो अब रन करो। यहाँ पे हमने वो दिया नहीं था, तो जो होता है ना क्लास, उसको डॉट से शो करते हैं। क्लास थी ब्लू, तो डॉट ब्लू कर दिया हमने और डॉट रेड कर दिया, यानी कि वो जो दूसरी डिव थी वो हो गया डॉट रेड। तो अब बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, तो ये देख रहे हैं आपने क्या सीन हो गया। तो इसी तरह हमने आगे भी देखने हैं अभी। तो अब यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, पहले आपका क्लास बना सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई और कलर दे सकते हैं, यानी कि ब्लैक दे दिया। तो ब्लैक तो है ही ना, ऑलरेडी होता है ब्लैक, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं। डॉट ब्लैक कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम लेने के बाद यहाँ पे कुछ दे दो, एज़ूर कर दिया हमने। ये देखना, ये इसका कलर चेंज हो गया। तो ये मेन चीज़ है यहाँ पे, मैं ये आपको बताना चाहता था कि हम क्लासेस के थ्रू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं।